हाउ वी आर स्टार्टिंग, क्वेश्चन नंबर 11, मिसेलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2, अभी क्लास 12th अभी हमारे पास चल रही है। तो हमारे पास है tan इनवर्स 1 प्लस x और 1 माइनस x। ब्रदर इस टाइप का जो सम होता है ये आपको कई बार 12th के कोर्स में आएगा, 5th चैप्टर में दोबारा आएगा, इंटीग्रेशन में 4-5 बार ये आएगा। तो आपको इसे थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करनी है, आपको किस तरह से समझना चाहिए। देखिए भाइयों, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप एक फॉर्मूला cos 2 थीटा का जो आपने 11th में सीखा था उसके बारे में आप काफी ध्यान से सीखिए। cos 2 थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये ऑप्शन होता है ना आपके पास, ठीक है। इसी का यूज करेंगे हम यहां पर इस सवाल को, इस सम्स को सोल्व करने में। और हम क्या करेंगे, जो x है x के प्लेस में हम cos 2 थीटा को पुट कर देंगे। तो मैंने यहां पर पुट कर दिया है x के प्लेस में cos 2 थीटा, तो आपके पास ये क्या ऑप्शन आ गया, tan इनवर्स, और यहां पर आ गया है 1 प्लस cos 2 थीटा और प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा। अब देखिए ब्रदर, आपके पास क्या है, cos 2 थीटा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर आप cos स्क्वायर थीटा को बदलते हैं तो cos 2 थीटा इस तरह से आ जाएगा। देखिए, अगर आप cos स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो एक sin स्क्वायर थीटा आपके पास पहले भी यहां पर रहता है, तो इसका मतलब आपके पास हो गया है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही है? तो cos 2 थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भी होता है। अगर मान लीजिए आपने ये नहीं बदला होता और आपने इसको बदला होता तो आपके पास क्या ऑप्शन आता ब्रदर, cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस इसे तो माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, यानी यहां पर आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ऑप्शन है। तो cos 2 थीटा आपके पास तीन प्रकार से मिल सकता है, इसमें से हम इन दोनों का यूज करेंगे, चाहे इसका यूज कर लीजिए चाहे आप ये लिख के कन्वर्ट वहीं पर कर लो, ठीक है। अब देखो ब्रदर, हमें इस 1 को फिनिश करना है, 1 को फिनिश करने के लिए मैं यहां पर कौन सा वाला ऑप्शन लगाऊं, ये वाला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा के प्लेस में मैंने रख दिया यहां पर क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, बात समझे, माइनस 1 ये मैंने यहां पर रख दिया, बात समझ रहे हो। अब इस cos 2 थीटा के प्लेस में हम यहां पर ये वाला ऑप्शन रख लेंगे और हमारे पास है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, बात समझ रहे हो। सिमिलरली सेम प्रोसेस हम यहां चलाएंगे, इस cos 2 थीटा के प्लेस में हम क्या रख लेंगे, cos 2 थीटा के प्लेस में हम रखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और यहां पर cos 2 थीटा के प्लेस में 1 को कैंसिल करने के लिए हम क्या रखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ब्रदर, आप मेरी जो यहाँ पे प्लानिंग थी उसे आसानी से समझ चुके हैं कि मैंने ऐसा क्यों करा था। इस तरह की प्लानिंग और इस तरह की लॉजिक एक 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए काफी मस्ट हो जाती है, स्पेशली जब वो चैप्टर 2 को या 5 को या 7 को वो सोल्व करने की कोशिश करता है। तो आप 1 से 1 को यहाँ पर कैंसिल करिए, कैंसिल हो गया, आपके पास यहाँ ये बचा है। आप यहाँ पर ब्रदर जब ब्रैकेट खोलेंगे ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इस 1 से ये कैंसिल हो गया है, ठीक है सर, समझ में आ रहा है आपके। अब यहां से देखिए, ये आपके पास माइनस हो गया है, प्लस हो गया है, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया है, बात समझ रहे। और यहां पर फाइनली आपके पास इस 1 से ये 1 चले गया, तो ये ऑप्शन आपके पास बच गया है, बात समझ में आ रही है। तो ये सारा का सारा ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, ये आ गया tan इनवर्स, और उसके बाद क्या आ गया है, रूट 2 cos थीटा, ब्रदर स्क्वायर से वो कट गया ना, ठीक है। अच्छा, ऐसे यहां पे स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में यहां पर दोबारे से आपके पास रूट 2 कोस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा। अब ब्रदर हम क्या करेंगे, आप यहां पर भी मेरी प्लानिंग को अच्छे से समझ चुके हैं कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, रूट 2 को बाहर कॉमन लेके काट दूंगा। मैंने रूट 2 कॉमन ले लिया, इसमें से ये लीजिए सर कॉमन आ गया, यहां पर से भी रूट 2 कॉमन ले लिया है, ये लीजिए रूट 2 कॉमन हो गया, रूट 2 से मैंने रूट 2 को कैंसिल कर दिया, और जब मैंने रूट 2 से रूट 2 को कैंसिल करा तो मेरे पास ये ऑप्शन बच गया है। यहां से जो आपका लॉजिक का स्टैंडर्ड है वो हल्का सा ऊपर हो जाना चाहिए एक 10th क्लास के 12th क्लास के स्टूडेंट की तरह। तो देखिए, आपके पास ये ऑप्शन है cos थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। मैं तो आपको ये कहता हूं कि आपके पास जब भी इस तरह का कोई भी पैटर्न बने आप उसे cos थीटा से ही डिवाइड कर दीजिए। ऐसा क्यों करा है,
आप अब इस लाइन पे आसानी से समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों करा था। देखिए ब्रदर, आप कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वन, समझ रहे ना मेरी बात। तो यहां पर तो आ गया है वन, और जब आप साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करते हैं तो आपके पास पता है ना आपको, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आपने 10th क्लास में पढ़ा था, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है आपके पास, 10 थीटा। तो यहां पर आपके पास हो गया 1 माइनस 10 थीटा। आप यहां तक मुझे समझ चुके हैं। अब इससे आगे देखिए, इससे आगे मैं आपको यहां बताने की कोशिश करता हूं। देखिए आपको एक फॉर्मूला काफी अच्छे से याद है और वो है टेन इनवर्स एक्स माइनस आपके पास है ऑप्शन टेन इनवर्स वाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रदर ये क्या होता है, तो आप मुझे काफी इजीली और काफी जल्दी बता देंगे कि ये टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस xy के रहता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ब्रदर, जरा इसको देखो। ये देखिए यहां पर लिखा है ना टेन इनवर्स। ठीक है, हमें क्या होता है कि हमें सीधा फॉर्मूला याद करने की आदत होती है, कभी कभी ये इसके बराबर भी तो होगा, दोनों की दोनों साइड इक्वल है, यानी जब हम इन दोनों को सोल्व करते तो ये आता है, या इस सिंगल के प्लेस में हम इन दोनों को रख सकते हैं। तो ब्रदर देखने की कोशिश करिए, आज आपका जो यहां पर सम है ये इस तरह का फॉर्मूले को लेकर चल रहा है जो राइट हैंड साइड पर है, टेन इनवर्स, और एक्स आपका क्या है वन, और वाई क्या है आपका टेन थीटा। एक्स और यहां पर वन नहीं है तो आप वन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वन यानी कि एक्स मल्टीप्लाई वाई क्या आपका टेन थीटा। तो ये पूरा का पूरा ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला किसके बराबर है, टेन इनवर्स एक्स, एक्स का आपका क्या है वन, टेन इनवर्स वाई, और वाई कौन है आपका टेन थीटा। तो हम यहां पर इसको रख देंगे, तो हम लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, तो मैंने यहां पर लिख दिया है इसके प्लेस में, और ये आ गया है टेन इनवर्स एक्स, एक्स यानी कि वन, और फिर उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन किसका आ गया है, हमारे पास यहां पर ऑप्शन है प्लस टेन इनवर्स, और ये किसका ऑप्शन आ जाएगा, वाई क्या आपका टेन थीटा। बात यहां तक आप समझ रहे हैं? ठीक है, अब आगे देखिए, हमारे पास ऑप्शन यहां पर आ रहा है टेन इनवर्स वन। आप ब्रदर वन को क्या लिख सकते हैं, वन को लिखते हैं ना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पाई बाई फोर, नहीं तो ऐसे करके लिख लीजिए, और टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर इक्वल टू पाई बाई फोर होता है, तो यहां पर तो आपके पास आ जाएगा पाई बाई फोर, और यहां पर टेन इनवर्स टेन थीटा, तो आपके पास ये सिर्फ क्या रह गया, थीटा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो थीटा क्या है, यहां से आप वैल्यूज थीटा की निकाल सकते हैं, और वैल्यूज क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगा आपका कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू टू थीटा, तो थीटा क्या आएगा आपका कोस इनवर्स एक्स 1/2, तो यहां पर आ गया है 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ये ऑप्शन आपके पास आ चुका है जो इसकी राइट हैंड साइड थी। यहां पर आपको थोड़ा सा लॉजिक का स्टैंडर्ड हल्का सा ऊंचा करना है। अगर इसी प्रकार की वीडियो इजी लैंग्वेज पे आपको सारी की सारी बुक, दोनों बुकों की सारी वीडियो, सारे क्वेश्चन सोल्व चाहिए, तो आप मेरे को यहाँ व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी उस इंक्वायरी पे आपको एक रीजनेबल प्राइस पे वो अवेलेबल करा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक यू।